हेलो एवरीवन। तो वी आर स्टार्टिंग विद कोर्स ऑन सीसैट, और ये कोर्स हमने इसलिए शुरू करा है क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर से हम ये देख रहे हैं कि सीसैट का जो लेवल है वो यूपीएससी ने काफी इंक्रीज कर दिया है। पिछली बार काफी ऐसे लोग थे जो सिर्फ इसलिए नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं एग्जाम में क्योंकि उनका सीसैट अच्छा नहीं हुआ है, और सीसैट में वो 33%, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, 33% मार्क्स जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पेपर का जो टफनेस लेवल है वो काफी इंक्रीज हो गया है। तो अब यूपीएससी चाहता है कि आपको मैथ्स भी आना चाहिए, आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, आपको रीजनिंग भी आना चाहिए, और वो भी सिर्फ 10th लेवल का नहीं, आपको कैट के लेवल तक का चीजें आना चाहिए। तो आपका एप्टीट्यूड एटीट्यूड काफी नेक्स्ट लेवल पे ले गया है यूपीएससी। और हम अगर लास्ट टाइम की बात करें तो जो कट ऑफ है, ओवरऑल जो कट ऑफ है प्रीलिम्स का, वो अराउंड लोग 77 प्रिडिक्ट कर रहे थे, 77 अराउंड 80। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सीसैट में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, और प्रिपरेशन के टाइम में जब आप प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, प्रीलिम्स नहीं निकलता है, और वो भी क्यों? क्योंकि आपके सीसैट में मार्क्स नहीं आए। तो इससे ज्यादा डिसहार्टनिंग कुछ नहीं होता है। मेरे भी कुछ लोग हैं जान पहचान वाले, स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले, या फिर जिनका थोड़ा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको सीसैट में प्रॉब्लम होती है। और जो कि नॉर्मली स्कोर कर रहे हैं 100, 100+, तो काफी लोग होते हैं मतलब जो स्टेज में रह जाते हैं। और मेरे को लगता है कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एटलीस्ट सबको मेंस लिखने का मौका तो एक बार यूपीएससी को देना ही चाहिए, तभी पता चलता है कि आपने कितना आप में डिसिप्लिन है, कितना आप में एटीट्यूड है, क्या आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि मेंस ही आपका वो पर्सनालिटी निकाल के लाता है जब आप अंडर द प्रेशर सब लिख रहे होते हैं। तो प्रीलिम्स में सिर्फ इस वजह से रह जाना क्योंकि इस पेपर में 66 नंबर नहीं आ पाए, तो बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है, और फिर साल भर तक दोबारा इंतजार करना और बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए हमने सोचा है कि हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज निकाले जिसमें टेस्ट सीरीज रहेगी, पूरा सिलेबस कवर्ड रहेगा, ताकि जो जो भी इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से वो इसको कर ले। और इसका पूरा हमने प्लान बनाया है कि जस्ट आप अपने फ्री टाइम में देख रहे हो, जब आप फ्रेंड्स देख रहे होते हो या कुछ और रैंडम चीजें देख रहे होते हो, यूट्यूब से रील, इंस्टाग्राम, जो भी है, उस टाइम पे जस्ट आप उसको देख लो कि कैसे सॉल्व हो रहा है, चीजें कैसे हो सॉल्व होती हैं, कोई ऐसे फॉर्मूले हैं क्या जो मैं मिस कर रहा हूँ, कोई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं क्या, जैसे मे बी 101 को डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या आता है, ऐसी छोटी छोटी कोई चीजें जो इस वीडियो में हम बताएंगे वही वहां एग्जाम में काम आएंगे। तो यहाँ पे आप इन वीडियोस को देख लीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कोशिश करी है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर तो रहे रहे, साथ में कैट के क्वेश्चंस भी डालें, क्योंकि यूपीएससी जो है लेवल को वहां लेके जा रहा है। पिछली बार आपको पता ही होगा कुछ लोग इसको लेके हाई कोर्ट तक चले गए थे कि कट ऑफ को जो है 33% से घटा के 23 कर दी थी, बट कोर्ट ने बोला कि भाई 33, 23 की कहाँ बात कर रहे हो तुम, 33 तो कम है, इसको 50 कर देते हैं। तो यूपीएससी उस लेवल पे ले जाना चाहता है, स्पेशली जबकि अब पैटर्न चेंज या आगे इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, तो जितना जल्दी हो जाए इस एग्जाम को निकालने में फायदा है। तो ये जो छोटे मोटे बैरियर्स हैं जैसे सीसैट हो गया, इसको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसका हम पूरा इंश्योर करेंगे कि ये हो जाए। तो अगर आप लास्ट एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि कॉम्प्रिहेंशन से यूपीएससी अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस पूछ लेता है, और ये पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट ये तभी होता है जब आपका बाकी का पार्ट अच्छा हो गया होता है। अगर आपका बाकी का पार्ट अच्छा नहीं हुआ है और आप ये सोचेंगे कि सर इनके बेसिस में मैं सारा सही कर दूंगा, तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं। वो यूपीएससी ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है कि वो सारे ही सही लगते हैं, जिनके आंसर की में आप फाइनली देखोगे तो कुछ और ही आंसर्स निकलते हैं जिनको कोई नहीं समझा सकता उनके अलावा, तो ये सब रहता है। ये तो इस पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं, और स्पेशली तब जब एग्जाम हम दे रहे होते हैं वहाँ एग्जाम हॉल सेंटर में बैठ के, और पता होता है कि यार ये तो हमने एकदम खराब कर दिया है, तो फिर ये भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर से कॉन्फिडेंस चला जाता है। और यूपीएससी में 90% गेम जो है कॉन्फिडेंस का है, मतलब जो लोग कॉन्फिडेंट हैं बस किसी भी चीज की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियली अच्छे हैं, चाहे वो मेंटली अच्छे हैं, कुछ भी, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो
तो हमको कभी भी कोई भी अपना सब्जेक्ट कोई भी उसको वीक नहीं रखना है इतना कि हम वहां जाके कुछ अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे। तो इसलिए हम आज स्टार्ट करने वाले मैथ्स से। मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। सो मैथ्स जो है अगर ये पूरा आप आराम से 1.5 पे देखो 2 पे देखो चाय पीने जा रहे हो तब देखो रैंडम टाइम पे देखो एकदम जब ऑप्शनल से जीएस से सबसे मन भर गया तब देखो आराम से। तो इसमें हम पूरा एकदम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं बेसिक कंसेप्ट यार ये सब पता होना चाहिए जैसे 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा 8 से कौन डिवाइड होता है 101 है यहाँ पे इसकी मैं पावर 2 कर दूँ तो यहाँ ये यूनिट्स प्लेस में क्या आता है क्योंकि यूनिट्स प्लेस से फिर डिविजिबिलिटी डिसाइड होती है। तो ये सब में बहुत छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। अब ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है तो ये सब छोटे छोटे बेसिक्स हैं तो हम इन बेसिक्स को एकदम क्लियर कर देंगे। बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो यू कैन डू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस सब करोगे तो वो क्वेश्चंस में भी हम बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चंस हैं इनको ऐसे ऐसे करना होता है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं तो आप एग्जाम में जाके भी सेम चीजें ट्राई करो और आपके आंसर्स आ जाएंगे। एग्जाम लिटरली जैसे धोनी की तरह होता है। धोनी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है वो बोलते हैं कि भाई अपने हाथ में जो कंट्रोल है वो करो अपने हाथ में जो टूल्स हैं उनको यूज करो। हमारे हाथ में क्या टूल्स हैं हमने पहले से क्वेश्चन किए हुए हैं। हमारे हाथ में क्या टूल्स हैं हमारे पास में ट्रिक्स हैं और हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और इन तीनों चीजों से आपका सी सैट जो है कभी नहीं रुकेगा कभी भी नहीं रुकेगा। तो इसलिए आज हम मैथ्स की तरफ चलते हैं। तो मैथ्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। सो हम नंबर सिस्टम कवर करेंगे। नंबर सिस्टम में ये सब नेचुरल नंबर्स और ये बेसिक कंसेप्ट जो भी होते हैं कोई फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं उनको देख लेंगे। ज्योमेट्री से भी काफी सवाल रहते हैं। ज्योमेट्री भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर एक कंबाइंड टॉपिक है अलजेब्रा हो गया फंक्शंस हो गए सेट थ्योरी हो गया ये सब एक साथ में विल कवर इट। फिर एक काफी इम्पोर्टेंट होता है एवरेजेस हो गया परसेंटेजेस हो गया रेशियो निकालना हो गया इसी में टाइम डिस्टेंस वगैरह वाले क्वेश्चंस हो गए वो कैसे होते हैं उनमें कोई फॉर्मूला होता है क्या इसी में वर्क वगैरह आ जाता है। अब इनसे एक अलग ही डिफरेंट जिसके पिछले साल बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे पीएनसी जो मेरे से भी सॉल्व होने में काफी डिफिकल्ट हुए थे थे इतने डिफिकल्ट। तो वहां पे सबसे अच्छा वो था कि जितने हो रहे हैं उतने करो और आगे बढ़ो। तो पीएनसी में भी इसको भी पढ़ लेंगे ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। उसके अलावा कुछ और मिसलिनियस में जो भी बचेगा विल कवर एवरीथिंग मतलब कुछ नहीं हम छोड़ने वाले। सो मैथ्स का पूरा ये प्लान है। सो आज बेसिकली विल स्टार्ट और इसमें करना क्या है ना कुछ नहीं करना है 1.5 पे लगाना है देखना है कि भाई आज क्या पढ़ा है। हाँ ये सारे बेसिक कंसेप्ट मेरे को पता है ये बेसिक कंसेप्ट पता है तो कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं है सुन लो बस लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ बस मेरे को पता है कि भाई 1 + 2 + 3 n जो होता है वो n n + 1/2 होता है ये मेरे को पता है तो कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं बस देख लो ठीक है। ऐसे जितने भी बेसिक कंसेप्ट है भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं वैसे पता कर लो ये बेसिक कंसेप्ट में आ गए आपके और बस फिर ये देख लो कि भाई इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व कैसे हो गए क्या प्लस करना पड़ रहा है क्या माइनस करना पड़ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इन्हीं से सब सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो हम यही सॉल्व करेंगे। सो विल स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में कुछ चीजें हैं जो हमको पता ही होनी चाहिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको बेसिक कंसेप्ट बोल सकते हो ये अगर पता है तो नंबर सिस्टम में आपको कुछ ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले होता है कि भाई नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 0 नेचुरल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स क्या हो गए होल नंबर्स होते हैं सब कुछ 0 1 2 3 तो इसका मतलब ये क्या नेचुरल नंबर्स प्लस 0 ये हो गए होल नंबर्स। ऐसे ही प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं जो दैट आर दैट द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स तो उनको हम प्राइम नंबर्स कह देते हैं। अब इसमें जो है काफी
काफी सारे होते हैं भाई, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे दुनिया भर के होते हैं, ये कोई कमी तो है नहीं, दुनिया भर के बैठे बैठे बनाते रहो। फिर एक रैशनल नंबर्स होते हैं, एक इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर सिंपल है, नेगेटिव होल नंबर का नेगेटिव भी पॉजिटिव है, तो -3 -2 ये सब ने इंटीजर्स हो गए, 1 2 3। रैशनल नंबर्स हो गए नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड दिस क्यू शुड नॉट बी 0। जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई थ्री। पी बाई क्यू है तो कुछ भी हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, समथिंग समथिंग। इरेशनल जो है, इरेशनल जो होते हैं नंबर्स होते हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म जिसमें एक चीज होती है √3 √5। इसमें जो नंबर्स होते हैं इट इज समथिंग लाइक 1.41321, नो नेवर एंडिंग, तो इट विल कंटिन्यू ऑन, चलते रहेंगे। तो ये सब चीजें इसमें बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। अब इसमें हम एक अच्छा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी। ये अगर हमको अगर एग्जाम में पहले से पता हो कि भाई ये अगर हम तो बहुत ही काम आ जाती है, तो आप जस्ट एक बार सुन लो। तो 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनको अगर आप जिनका जो यूनिट देते हो, तो बता दें यूनिट प्लेस क्या होता है। जैसे नंबर है मान लीजिए कोई 1011, तो दिस प्लेस इज यूनिट, दिस इज टेंस, दिस इज 100, दिस इज 1000, सो दिस प्लेस इज यूनिट। तो 2 से डिविजिबल वो नंबर होते हैं जिनका यूनिट प्लेस जो है वहां पे या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6, मतलब 2 यूनिट डिजिट्स जो है शुड बी डिविजिबल बाय 2। ऐसी 3 जो है, 3 से निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो टोटल नंबर है मान लीजिए 4 5 3 है, इसका जो सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो 4 + 5 + 3 शुड बी डिविजिबल बाय 3, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि जो यूनिट्स प्लेस है और जो टेंस प्लेस है, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 4 5 0 2 4, सो यहाँ पे दो डिजिट कौन से, 24, सो 24 शुड बी डिविजिबल बाय 4। यस 5 के लिए तो सबको ही पता है कि भाई या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। 6 का सिंपल है, वो 2 से भी होना चाहिए एंड 3 से भी होना चाहिए। तो ये दोनों टेस्ट जो है, ये दोनों टेस्ट जो है उसे पास करने पड़ेंगे, 2 से भी और 3 से भी। 7 वाला जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना चाहो तो रख लीजिए, नहीं भी रखना चाहो तो निकाल लेना। इसमें क्या करना होता है, यूनिट्स डिजिट जो होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है बचे हुए नंबर से। इसको करोगे तो ये शायद 49 आ जाता है जो कि डिविजिबल होता है 7 से, तो ऐसे 7 की निकल जाती है। 8 के लिए जैसे यहाँ पे 4 में लास्ट 2 डिजिट था, 8 के लिए ये जो डिजिट्स हैं बढ़ के हो जाती हैं 3। तो मान लीजिए कोई नंबर है तो ये तीनों जो हैं ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो 8 3 2 मान लीजिए डिविजिबल है 8 से, तो ये जो नंबर है ये भी हो जाएगा। 9 के लिए भी वो इजी है, 9 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट करना होता है, डिविजिबल अगर 9 से है तो है। तो ये एक बेसिक डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये अपन को पता होने चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आते रहते हैं, उसमें ये होता है कि वो आपको ऐसे कुछ 5 की पावर 2 लगा के दे देगा, 3 की पावर 2 लगा के दे देगा, 100 की पावर 200 लगा के दे देगा, या इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि वो पूछता है कि 2-3 सवाल होते हैं इसमें जो बनते हैं। एक तो पूछ लेता है कि भाई इसकी यूनिट्स प्लेस बता दो, मतलब इसमें कुछ बन रहा होगा, तो या तो ये प्लेस बता दो। अब ये प्लेस पता चलेगी तभी ये पता चलेगा कि इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, तो ये कैसे, इसके लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, वो हमको पता होने चाहिए, बहुत ही काम आ जाते हैं। जैसे सिंपल होता है, अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इन पे आप कोई भी पावर लगा लो तो ना वो यही बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। अब एक होता है 4 और 9। 4 और 9 का क्या होता है, 4 और 9 यूनिट्स, अब ये बात हो रही है यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट मतलब कोई नंबर है 104 इस टाइप से, या फिर कोई नंबर है 019 इस टाइप से, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। तो अगर यूनिट डिजिट रूप में 4 और 9 है और इसकी पावर मान लो आप कुछ ऑड लगा रहे हो, ऑड मतलब 3 या 5 या 7, ठीक है, 4 और 9 में ऐसे लगा रहे हो, तो 4 और 9 के लिए अगर आप ऑड डिजिट लगा रहे हो तो ये हमेशा 4 और 9 ही आ जाता है, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस की बात हो रही। और अगर 1 ये कोई नंबर है इसमें आप इवन डिजिट्स लगा रहे हो, लेट्स से 4 6, तो इसकी जो यूनिट डिजिट्स होती हैं दैट कम्स 6 एंड 1,
वन इज फॉर नाइन एंड सिक्स इज फॉर फोर. तो ये आप टेक भी सकते हो कि भाई नाइन का जो स्क्वायर होता है दैट इज 81. सो 81 जो है नाइन का स्क्वायर, ये वन हो गया तो इस पे वन आ गया. और नाइन के अगर आप क्यूब लगाओगे 729, सो देखिए यहाँ पे आती है नाइन. सो ये हो गया. सो हमने जीरो का देख लिया, वन का देख लिया, फाइव का देख लिया, सिक्स का देख लिया, फोर का देख लिया, नाइन का देख लिया. अब बच्चे का देख लेते हैं. बच्चे कौन कौन है? टू बच गया है, थ्री बच गया है, सेवन बच गया है, एट बच गया है. इनके लिए क्या करना होता है? मान लीजिए कोई नंबर है सिंपल सा 1, 4, 3, 6, 7, कोई नंबर इस पे कुछ इन्होंने बहुत बड़ी सी पावर लगा दी है 550. तो इसमें क्या करना होता है, अगर ये यूनिट में ये आ गए, इनमें से कोई नंबर आ गया, तो इसमें इसकी जो पावर है उसको डिवाइड करना होता है फोर से. तो यहाँ पे हम 550 के पास जो स्कोर करेंगे और ये करोगे तो इसमें रिमाइंडर देखना होता है. तो रिमाइंडर यहाँ पे टू आएगा. तो अब कुछ नहीं करना होता है, जो लास्ट डिजिट मान लो सेवन थी, सेवन को जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर देना है और ये देखना है अब क्या लास्ट डिजिट आ रही है. तो यही इस पूरे की लास्ट डिजिट हो जाएगी. तो क्या सीखा हमने? सीखा ये है कि नंबर अगर टू है, थ्री है, सेवन है या एट है यूनिट्स प्लेस पे और इसकी कोई रैंडम पावर है, तो उस पावर को डिवाइड करना है फोर से और उसका रिमाइंडर देखना है. और उसका जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको फिर से ये जो टू थ्री सेवन एट है और ये जो रिमाइंडर आया है इस पे लगा देना है. और फिर देखना है कि जो नंबर आ रहा है उसकी यूनिट्स प्लेस क्या है. ये अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा बट यूपीएससी इससे सवाल पूछ चुका है, मतलब ऐसे सवाल आते रहते हैं. सो इट इज रियली एन इम्पॉर्टेंट मेथड. सो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी है. सो टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट इज 18. Product is 8. When 18 is added, number is reversed. Number जो होता है reversed हो जाता है. So अगर इसमें हम basically देखें, अब किसी भी number मान लीजिए कोई number x है, तो मतलब ये हुआ 10 into x + 1. ये आप जानते ही हैं. तो इसमें क्या दे रखा है? x y जो है हमें 8 दे रखा है. Let's call this one. Now what is happening? 10x plus y mein when we are adding 18, so it is reversing. Reversing is y into x. Y into x, how we can write this? 10 into y plus x. So it will become 10y plus x. Usko solve karoge, idhar ye x chala gaya, y chala gaya, to ye x minus y jo hai minus 2 aa jayega. Abhi ek hame bachpan se pata hoti hai ki bhai x plus y ka jo whole square hota hai होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई. अब इसमें अगर मैं दोनों साइड माइनस टू एक्स वाई दे दूं, माइनस टू एक्स वाई को प्लस माइनस कर दूं, तो ये आप देखोगे बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर. अब ये मैंने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास में एक्स वाई है, हमारे पास में एक्स माइनस वाई है. तो एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करी. सो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई जो था वो था टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स वाई जो दिया था एट. इट इज 36. सो यहाँ से एक्स प्लस वाई जो है 36 आ गया, एक्स माइनस वाई जो है माइनस टू आ गया, एक्स वाई जो है 8 आ गया. तो आप देख सकते हो कि जो एक्स होगा वो होगा 2 एंड वाई जो होगा वो होगा 3. तो यहाँ से जो नंबर है इट इज 10x plus y, 10 into 2 plus 4 that will come 24. So ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ज्यादातर ये ऐसे ही रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है. अब जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने अभी पढ़ा है उसी. सो यूनिट्स डिजिट फाइंड करनी है, यूनिट्स डिजिट फाइंड करनी है. इसमें करनी है 784 इंटू 618 इंटू 917 इंटू 463. तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट्स जो है वो सबको मल्टीप्लाई कर देना 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3. इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स डिजिट्स जो आएगी दैट विल कम अराउंड 2.
सो दिस इज टाइम्स. एक और यूनिट डिजिट्स का कर लेते हैं, जैसे कि 3 की पावर 65, इसमें 6 की पावर 59, 7 की पावर 71. अब ये तो इसको तो वैसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो जो अपन ने सीखा उसी से सॉल्व करते हैं. सो हमने देखा कि 3 to the power 4 जो होता है, ऊपर अभी सीख के हैं, ये 1 आता है, ठीक है. तो अब हमें बताया कि 3 की पावर 4 into 16 जो है, दैट इज 3 to the power 64, वहां पे 1 आएगा. तो 3 to the power 65 को कैसे निकालेंगे? 3 to the power 64 into 3, तो इट विल कम 1 into 3, तो यूनिट इसकी तो आ जाएगी 3. तो ऐसी बाकियों की भी निकाल लेते हैं. 6 की पावर 59 है, उसकी कैसे आएगी? 59 की हम इस मेथड से निकालेंगे. तो हमने जो ऊपर सीखा था कि यार 6 में तो कुछ भी लगा दो तो 6 ही आता है, तो इसके आगे 6, 7. अब 7 के लिए जो हमने मेथड सीखा था वो फिर से लगाएंगे कि 4 से हमको डिवाइड डिवाइड करना होता है, तो 4 into, अब 71 के पास में आप देखिए तो आ जाएगा, इसमें प्लस अब इसको देखेंगे तो आएगा 68 प्लस 3, 7 to the power 4 into 17 into 7 to the power 3, तो इट इज 1 into 3, ठीक है. यहाँ से भी 3 आ जाएगा. तो अगर आप फाइनल डिजिट देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका 6 है, इसका 3 है, तो हमको करना होगा 3 into 6 into 3. यहाँ से हम इन तीनों को करेंगे 18 18 54 54 का बचेगा 4, तो लास्ट डिजिट से आ जाएगी 4. तो ऐसे ये सवाल जो है सॉल्व किए जा सकते हैं. अब इसमें मैं 2-3 जो है कैट के क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ, तो वो काफी इजी हो जाएगा. और इसमें हम ये निकाल पा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोडक्ट होता है, बेसिकली प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट यूनिट प्लेस होती है, जिस तुमको इंटू कर लेते हैं और उनसे आ जाता है. एक तो अब हम कैट के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कैट के क्वेश्चन उससे थोड़ा लेवल सही रहेगा. तो पहला क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह हाँ ये वाला कर लेते हैं पहले. बेसिक मैथ्स है तो ये सब सॉल्व करते चलिए धीरे धीरे. सॉल्व भी नहीं कर रहे तो देख लीजिए एटलीस्ट कि यार हाँ ये ऐसे सॉल्व होता है. मतलब ऐसे देख के सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं. 3 - 4 / 3 + 1 / 2 -, हाँ ठीक है. इसको सॉल्व करोगे तो 3 में से 7 घटेंगे तो 5/2 रह जाएगा, इसको हटाओगे तो 3/2 रह जाएगा, ये अपॉन से चेंज होके 2/5 बन जाएगा, ये अपॉन से चेंज होके 2/3 बन जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे तो उसके बाद में इसको आगे धीरे 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 सॉल्व करते जाइए, तो ये बन जाएगा 1/1 + 12/16 और ये बन जाएगा 33/21. इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे आता जाएगा 5/3/7. तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब इनको सॉल्व कर प्रैक्टिस देख लीजिए, बस ऐसे सॉल्व हुए अभी तक, सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप बस देख लो, सॉल्व तो हो ही जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है बस, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि यार ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो उसमें फिर दिक्कत है. जैसे 14 दिया हुआ है और बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी जो है वो दिया हुआ है 28, और ए और बी जो है नेचुरल नंबर है ये भी दिया हुआ, तो दिख रहा है यहाँ से कि यार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये भी तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, करके देखता हूँ. बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए, और 28 में से 14 घटाए तो 14 आ गया. अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है मैंने बचपन में पढ़ा था जब आप सब लोग इंटेलिजेंट थे कि बी माइनस ए और बी प्लस ए होता है, तो इसको इसमें तोड़ दिया तो ये आ गया बी माइनस ए बी प्लस ए, और यहाँ पे भी b माइनस ए कॉमन है. तो अब b माइनस ए को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा b प्लस ए प्लस 1 = 14. अब 14 को अगर आप तोड़ के लिखोगे तो 2 into 7 बचेगा,
दोनों ही वो हैं। और अगर आप यहाँ से अब देखने की कोशिश करोगे कि बी माइनस ए तो मान लो 2 आ जाए और बी प्लस ए जो है 6 आ जाए, तो आपको दिखने लगेगा कि बी को जो है 4 होना पड़ेगा और ए को जो है 2 होना पड़ेगा। तो आपसे अगर कोई 2 बी प्लस ए की वैल्यू पूछे तो आप 2 × 2 + 4 बोल के 8 आंसर उसको दे दोगे। ऐसे ही एक और सवाल करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है हमको एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड जो है 19 दिया है और एक और वैल्यू दी है एक्स जेड प्लस वाई जेड जो है 51 दिया हुआ है, और एक्स वाई जेड एक्स इंटू वाई जेड की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये गिवन है कि एक्स वाई जेड जो है नेचुरल नंबर है। अब देखो नेचुरल नंबर्स होना बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, तो मतलब इसी टाइप की कुछ वैल्यूज होंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। तो एक बार वाई को बाहर ले लेते हैं, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 19। अब 19 के फैक्टर्स करो होंगे ही 1 × 19, दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे जेड कॉमन है एक्स प्लस वन। 51 के फैक्टर्स करोगे तो 17 × 3 बनेगा, दोनों प्राइम नंबर्स। तो अब इसको एक एक मान के हम कर सकते हैं। तो पहला केस हम मान लेते हैं y हो गया 1, x प्लस जेड हो गया 19, यहां से ये हो गया। अब अगर y हो गया है, y यहां से हमने ले लिया है 1, ठीक है, और z z यहां से अगर हम 3 ले लेते हैं, z को अगर हम 3 ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई जो है 17 दिया, तो वाई हमने 1 माना इधर, तो एक्स जो है 16 आ जाएगा। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 16 × 3, यहाँ से आप देखेंगे 48 आ जाएगी। पर एक और वैल्यू पॉसिबल है क्या, देखिए यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे लिया था, इसको अगर हम इंटरचेंज कर लें, कैसे, इस 17 इसको ले लें और इसको एक्स प्लस वाई बोल दें, जेड को ले लें 17 × 3, y हमारा 1 था ही, सो x प्लस y जो है 3 है, तो x यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। तो अगर आप x y z की वैल्यू देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 17 × 2 = 34, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 48, कौन सा मिनिमम, 34। जस्ट ऐसे ये पेयर बना बना के, तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि यार पेयर बना लेता हूँ मैं, पेयर बना के देख लेता हूँ कौन सा ज्यादा आ रहा है। अब ये चीजें अगर आपने कभी पहले नहीं करी है तो आप जल्दी से क्लिक नहीं करोगे 48, और यूपीएससी वाले क्या है, 48 तो पक्का ऑप्शन ही देंगे, 48 मार दो और सब गलत कर दो। तो यूपीएससी वाले भैया उनकी वो चाहते ही है कि गलत करो, सही तो चाहते ही नहीं। इसमें जैसे अभी ये छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद है तो सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये याद है तो सवाल हो जाएगा, बी माइनस ए स्क्वायर, सिंपल ये बहुत ही सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले याद है सवाल हो जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हमने करें ये कैट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक दो और भी ले लेते हैं ताकि कैट के भी चलता रहे और अपना लेवल जो है अच्छा बना रहे, और ये बैठ के बस देखते रहो, देखने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा हाँ यार ऐसा सवाल मैंने कभी किया है। जैसे अगर अपन इसको लें 5 to the power 6 - 1, अभी किससे डिविजिबल होगा, तो इसमें आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये भी आप सोच सकते हो यार इसको ऐसे भी लिख के कर सकता हूँ। बाकी कुछ लोग अगर 5 to the power 6 किसी को याद है कि भाई 5 × 3 × 5 × 3 ये मैं लिख सकता हूँ इसको 125, जैसे जिसको याद है जिसको वैसे सॉल्व कर सकता है, इसको भी आप लिख सकते हो 125 + 1, तो इसको आप लिख सकते हो 124 + 25 = 26, क्योंकि ए प्लस बी इज ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी इसको इंटू करोगे, तो उसके बाद हमको इसके फैक्टर्स निकालना है, तो सेम वहां से ही हो जाएगा। तो ऐसा एक और सवाल ले लेते हैं, तो इजी है, 2 पॉजिटिव, अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाय 4 फर्स्ट स्टेटमेंट, their reciprocal sum is 10/21, so find one of the numbers, ये पूछा। तो मैं क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई हमको दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई हमको दिया हुआ है 4, और 1 + x + 1 + y हमको दिया हुआ है 10/21,
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/21। यहां से इसको ध्यान से देखो, ये इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू लेंगे नहीं, फ्रैक्शन में वैल्यू लेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देखो x प्लस वाई जो है 10 होना चाहिए, एक्स वाई जो है 21 को तोड़ लो, 3 × 7 होना चाहिए, एक्स माइनस वाई जो है 4 होना चाहिए। अब यहां से आपको दिख जाएगा कि हाँ यार x और y जो है 3 और 7, उसको सेटिस्फाई कर लो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हम और आगे लेते रहेंगे। तो सीसेट का निकालने का फंडा यही है, बहुत ही ध्यान रखना है चीजों का कि एक तो बेसिक कंसेप्ट जो है जितने भी होते हैं हमारे, बेसिक कंसेप्ट हमें सब पता होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट जो है जैसे 1 + 2, ये जो n वाला होता है इट इज n इंटू n प्लस 1/2, ये बेसिक में आता है। 1² + 2² ये क्या होता है, n इंटू 2n + 1 इंटू 1 + 1 / 6, ये पता होना चाहिए। फिर ये बता दीजिए 1q + 2q, ये क्या होता है, इट इज n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये बेसिक में आता है। फिर आपको एपी एपीजीपी के बारे में पता होना चाहिए कि एपीजीपी क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, सो इट इज एन एपी विद अ डिफरेंस ऑफ 2। यहाँ पे देखिए 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, सो यहाँ पे हर एक टर्म में डिफरेंस है 2 का। तो एपी की जो nth टर्म निकालनी है वो आनी चाहिए, दैट इज a + n - 1 × t, nth टर्म, which is even called an. A is the first term. First term in this is 1. So 1 plus n minus 1 is any term that we want to find, a difference is 2. So aap isko dusre tarike se aise bhi likh sakte ho, 1 plus 2n minus 2. It is 2n minus 2. So ye pata hona chahiye. Aise hi GP, GP kya hota hai? GP is, what is GP? GP is ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 1 × 2 × 2² × 2³। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हर टर्म जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे r जो है इज 2। सो हमको कोई भी nth टर्म निकालनी हो तो उसके फॉर्मूले वी शुड नॉट फॉरगेट। सो a इंफिनिटी जो होता है, इसमें इंफिनिटी मतलब nth टर्म जो होती है, इफ r इज लेस देन 1, इट शुड बी a अपॉन 1 माइनस r। ये हमको भूलना ही नहीं होता है, मतलब ये आप भूल ही नहीं सकते हो। nth टर्म इसमें ऐसे निकालते हैं, r इज द डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब चीजें आपको नहीं भूलनी है, तो ये सब बेसिक में ही आता है, ap gp बेसिक फॉर्मूलास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी की होल क्यूब हो गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, दीज ऑल कम इन बेसिक, a² + b² + 2ab, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a + b, इट इज a² + b² + c² + 2ab c a + b + c। ये सब चीजें हमको नहीं भूलनी है, ये सब चीजें हम नहीं भूल सकते हैं। ये थोड़ा सा ये सब चीजें जो है नहीं भूल सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो। जब आपको टाइम पास करना हो, ऑप्शन में मन ना लग रहा हो, किसी के साथ मन ना लग रहा हो, बिल्कुल मन ना लग रहा हो, तो ये वीडियोस देख लो, इनके मेथड्स देखो कि ये सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। ये मेथड्स पे काम करिए, मेथड्स जो है वो याद होने बहुत जरूरी है कि हाउ टू सॉल्व दिस। बस सॉल्व करने का तरीका पता है तो हो जाएगा। अब जैसे सबको पता है कि यार 11 की पावर 21 में से नहीं निकलेगी, 100% नहीं निकलेगी, तो ये कैसे सॉल्व होगी। तो जो हमने ऊपर मेथड डिस्कस करा है, इट इज 1 की पावर दी हुई है कुछ, तो 1 की पावर 1 आपको पता है 1 ही आता है। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, पता है कि 7, 3, 2, 9, 8, 1 ये दे दिया है, उसको डिवाइड करना है 3 से, होगा नहीं होगा, क्या था 3 से, कब डिवाइड होता है, जब ये एडिशन इसका डिवाइड होता है, तो जो बेसिक पार्ट होगी
ये सब नहीं बोला उसने, वहां लिख दिया है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और उनको पता ही नहीं है नेचुरल मतलब क्या है कि भाई 1 2 3 में से ही कुछ आंसर होगा, इस टाइप की चीजें मुझे छोड़नी है, ये पता होना चाहिए कि हाँ नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। और ये मुश्किल से आपकी आधी पेज की भी शीट नहीं होगी, आधी पेज की भी शीट नहीं होगी। तो ऐसे ही हम हर किसी के सॉल्व करेंगे, तो हम यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले लेंगे, कैट के भी ले लेंगे, तो इससे आपका पूरा सी सेट कवर हो जाएगा, धीरे धीरे सारा सी सेट कवर हो जाएगा। और बैठ के जब भी आपको लगे कि आपके पास टाइम है, अभी यार मेरे को अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, चलो यार ये फालतू के वीडियो सुन लेता हूँ, एकदम ऐसे प्रायोरिटी दोगे तो भी ये सिलेबस हो जाएगा और सी सेट निकल जाएगा, गारंटी निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सी सेट ही है, निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो माय नेम इज राहुल एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एंड माय एमबीए फ्रॉम आईएम उदयपुर, और मैंने यूपीएससी यूपीएससी भी दिया है, तो चिल है, मतलब मैंने कैट भी दिया है, सो आई कैन हेल्प यू इन दिस, तो बढ़िया ही है, किसी की हेल्प हो जाए, किसी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार किसी की ये सी सैट की वजह से किसी का मेंस तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेंस देना ही चाहिए यार। आप 2017 में देखो, आप प्रीलिम्स अगर रुक जाता है तो टॉपर्स रोक सकते हो आप, 2017 में टॉपर के 105 मार्क्स थे सर पेपर वन में, और उनकी एआईआर 1 आई थी, तो सोचिए, और कट ऑफ थी 103, अगर वो एक क्वेश्चन गलत भी कर देते तो उनका प्रीलिम्स से निकलता, जो बंदा एआईआर 1 ला रहा था उसमें कितना टैलेंट होगा, इतनी इंपॉर्टेंस है ये प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स तो भाई एकदम काट देता आपका अगर आपने नहीं किया तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।